और इसमें सफलता प्राप्त की है। बागली के इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णावत फाटे के पास इंदौर से हाटपिपलिया जा रही यात्री बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद यात्री बस पुलिया से टकराते हुए लटक गई। गनीमत रही कि बस पुलिया के नीचे नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में करीब 15 यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर बागली SDOP SL सिसोदिया दल बल के साथ पहुंचे। 108 और 100 डायल की मदद से घायलों को बागली हाट पिपलिया कर्णावत उप स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के लिए पहुंचाया गया। घटना में बस चालक गंभीर घायल होने की स्थिति में घटनास्थल से ही इंदौर MY रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। ये लगभग आज दिनांक 29/6/19:30 ये बस इंदौर से निधि बस सर्विस इंदौर से आ रही थी, हटवे जाती है तो वहाँ पर पीछे से एक ट्रक आया जिसने पीछे से टक्कर मारी उसको और आपके समझ नगर पर जो पुलिया बनी है पुलिया पर बस लगी जाकर सीधी नीचे चली गई। पुलिया गिरती होगी बस पलटी दिखाई है, टंकी रह गई। बस में जो सवारी थी उनमें कम से कम 10-15 लोगों को चोटें आई हैं, साधारण चोटें, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सभी को उपचार रवाना कर दिया है और बस मौके पर ही अभी और इसके खिलाफ ट्रक वाले खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। ट्रक को जब्त कर लिया गया।